अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब बस रवानगी हो रही है पंजाब इंशाल्लाह। सफ़र पे जाना जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है इंसान के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, ट्रैवलिंग इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सफ़र कर रहे हैं, इंसान को सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इंसान को परखने के लिए, इंसान को जांचने के लिए, इंसान को परखने के लिए बहुत से तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है कि इंसान के साथ सफ़र करके देखें। सफ़र इंसान को परखने के लिए एक बेहतरीन तरीका। तो बस फाइनली रेडी हैं, और ट्रैवलिंग अलहमदिल्ला मुझे बहुत पसंद है आउटिंग। अब जा रहे हैं पंजाब पे, और फ़िलहाल अभी सादिकाबाद जा रहे हैं। सादिकाबाद में खिताब है, महफिल का सिलसिला, सादिकाबाद वाले मुंतज़िर भी हैं हमारे हमजा भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे, उन्होंने महफिल सजाई है। इंशाल्लाह सादिकाबाद जाएंगे, और फिर आगे सिलसिला जैसे जैसे जारी रहेगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल सादिकाबाद जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अकेला ना जाऊँ, बल्कि आपको भी साथ लेकर चलूँ, तो यूँ आपको लगे कि आप सिर्फ हम अकेले नहीं सफ़र कर रहे, बल्कि आप भी हमारे साथ। तो तमाम मनाज़िर दिखाएंगे भी और सबसे मिलवाएंगे। चले सादिकाबाद चलते हैं। फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए भाई, और हम समझ रहे थे कि हम लेट हो जाएंगे, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। तो अब बस आगे सफ़र जारी रहेगा, इंशाल्लाह दिखाएंगे फिर आपको। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के लिए रेडी हैं, और बस महफिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब महफिल के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, फिर बयान तो ग्रेजुअली अपलोड होते रहेंगे, लेकिन ये एक सिलसिला मैंने आपको कहा क्योंकि आपको यूँ लगे कि आप हमारे साथ हैं, तो ये चीज़ भी दिखाई गई। यहाँ से हम रेडी होके अब महफिल की तरफ जा रहे हैं, तो आइए साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, बस बिल्कुल अभी फ्री हुए महफिल से सादिकाबाद की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही ज़्यादा कामयाब, बहुत खूबसूरत और बहुत रूहानी महफिल रही सादिकाबाद की। जैसा कि आपने मनाज़िर देख लिए होंगे, सर्दी का बस मत पूछें, नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी थी आज, नाकाबिले बर्दाश्त। अभी भी ब्लैंकेट में होते हुए सर्दी लग रही है, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी आज, यहाँ टेम्परेचर ही कुछ बहुत ज़्यादा हील था, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह इतना अहले ज़ौक, बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाया, बहुत मोहब्बत उसे नवाजा। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह किताब का एक सिलसिला है, जैसा कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, मैंने शेयर किया था आप तमाम से, और मज़ीद इस पर मैं इंशाल्लाह कुछ शेयर करूँगा, लेकिन यह है कि किताब भी बहुत ज़्यादा सराहा है यहाँ पर किताब को, और लोगों ने पसंद किया किताब को। अभी फ़िलहाल जो है वो ये सिचुएशन है कि बस
थोड़ा फ्री हुए हैं अभी, कल बिहारी रवानगी है, बिहारी के हवाले से थोड़ी रेडी होना है, कुछ ताज़ा भी कर लेंगे फिर इंशाल्लाह कल बिहारी। भाई देखें यहाँ रात के 9:20 हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ जो माहौल बन चुका है वो कराची के 2-3 बज चुके हैं। यहाँ पे ये कोई 8 के करीब का वक्त है और सिटी एरिया सादिकाबाद का, और बहुत फॉग है यहाँ पे, देख रहे हैं आप बिल्कुल भी, या मतलब यहाँ तो ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन माशाल्लाह हम जा रहे हैं स्टेशन की जाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, इस वक्त हम जो है वो स्टेशन की जानिब जा रहे हैं, सादिकाबाद से फ्री हो गए, और सादिकाबाद में बहुत अच्छा वक्त रहा, लिटरली मैं दिली तौर पर बहुत मुतमईन और खुश हूँ। आज के दौर में इस तरह से डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी किसी किसी में मिलती है, और हमारे मेज़बान जो है इनमें मैंने बेहद ये देखा, अल्लाह पाक सलामत रखे, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और मैं तारुफ कराता हूँ, पंजाब यूनियन टीचर्स के आप सदर हैं, और इसके अलावा होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जनाब मास्टर रसूल बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहे दिल से मैं आपका मशहूर हूँ। आपने तो भाई एक होता है मेहमान नवाजी, एक होता है एक्सट्रीम लेवल का मेहमान नवाज, कोई कसर ही नहीं छोड़ी। असल में ये बातें सारी जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में रह के दीन इस्लाम की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सीखी हैं, और उसका टच जो है हमारे अंदर मौजूद है कि मेहमान की जो है बेहतरीन अंदाज में खिदमत करनी है। और इसके अलावा मैंने एक और बात भी नोट की, जो असल मुसलमानों का हम कहते हैं ना हमारे घर में अल्लाह इस्लामी माहौल नाफिज़ फरमा, वो माहौल फजर के बाद माशाल्लाह पाबंदी से कुरान की तिलावत, नमाज के वक्त फजर की नमाज के वक्त पूरे घर का उठ जाना, बेहतरीन निज़ाम है, पूरा अपने अपने घर में एक माहौल बनाया हुआ है। और ये हमजा तारी हैं, अस्सलाम वालेकुम, और ये माशाल्लाह आलिम भी बन रहे हैं, दिल से दुआ है अल्लाह ने आलिम बामल बनाए और रसूल बख्श साहब के लिए ज़रिया निजात बनाए। उवैस सिद्दीकी मौजूद है हमारे साथ, और हुनैद भाई मौजूद है हमारे, अल्लाह सबको सलामत रखे। भाई सफ़र की इब्तदा है, और हमारा पहला विजिट सादिकाबाद का था, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत अच्छा रहा, बहुत कमाल विजिट रहा, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, अदद ही मोहब्बत सलामत रहें, बस इसी तरह। मैं साद भाई का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने आजकल के पुरफुतन दौर में आप हमारे लिए टाइम निकाला, दीन की खिदमत के लिए टाइम निकाला, अल्लाह ताला इनकी इज्जत में इजाफा फरमाए, इल्म में इजाफा फरमाए, इनके लिए आसानियाँ फरमाए, इनके लिए सफ़र आसान फरमाए, और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वासिक है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह ताला बहुत पाए के आलम बनेंगे, और इनका इंशाल्लाह बड़े नाम वाले होंगे और बामल इंशाल्लाह ताला। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हमारे बड़े अल्लाह पाक बुजुर्गों की दुआएं सलामत रखें, आपका साथ सलामत रहे, इसी तरह से इंशाल्लाह मोहब्बत सलामत रहे, मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमजा अत्तारी है माशाल्लाह, दिली तौर पर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, यकीन बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत नेक इंसान है, बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया भाई, आपका फिजान है और मुझसे साथ अरे आपकी मोहब्बत नहीं है ये सर्दी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये स्टेशन हम पहुँच चुके हैं, ट्रेन का वेट चल रहा है, फॉग का आलम आपके सामने, कमाल फॉग होती है। साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।